ये 9,99,00,000 तक जाकर अप्रूवल सेंक्शन की रकम रुकी है, ये 10 करोड़ क्रॉस ही नहीं हुआ। आपको इसमें क्या दिख रहा है? मुझे इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जवाब तो जो जिन्होंने बनाया होगा प्रपोजल, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। केजरीवाल ने तो प्रपोजल बनाया नहीं, केजरीवाल ने कोई अप्रूवल नहीं दी, केजरीवाल ने कोई सैंक्शन नहीं दी, तो केजरीवाल से सवाल क्यों पूछने का? जिन्होंने बनाया सवाल उनसे पूछा जाए। वो तो मिनिस्टर थे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो अपना अपना एक सवाल, अपना मुद्दा क्या हो ये भी पब्लिक से पूछने वाले लोग हैं। तो मुख्यमंत्री का घर बन रहा है तो ओपन टेंडर होना चाहिए था। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आज सुबह इसके बारे में संजय सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में जो टाइम्स ग्रुप का अखबार है उसमें लिखा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भाजपा ने प्रोवाइड किए हैं, तो ये आपका और भाजपा का ज्वाइंट वेंचर है क्या? नहीं नहीं, ये आपको किसने लिए? आप उसमें मिलकर काम कर रहे हैं? एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा बक दे रहा हूं। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा बक दे रहा हूं। कागज लाके सर मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको थोड़ा सा बक दे रहा हूं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया मंगवा लीजिए, वो तो उनका सुनिए ना सर, मैं कह रहा हूं आप टाइम्स ऑफ इंडिया मंगवा लीजिए और उसमें वो लाइन खोल के दर्शकों के लिए पढ़िए कि टाइम्स नाउ ना भारत को ये दस्तावेज बीजेपी ने दिए, ये पढ़कर दिखाइए और नहीं तो माफी मांगिए। आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं टाइम मौका दे रहा हूं, नहीं आप टाइम्स ऑफ इंडिया मंगा लीजिए और लिखिए उसमें वो लाइन पढ़िए कि टाइम्स नाउ ना भारत को ये डॉक्यूमेंट्स बीजेपी ने दिए, ये लिखा हुआ है, ये पढ़ के बताइए। बीजेपी ने दिए ऐसा और उसमें लिखा हुआ, अरे भाई टाइम्स नाउ ना भारत को बीजेपी ने दिए ये लिखा है कि नहीं बताइए। आपने टाइम्स नाउ ना भारत पर बैठे ना, आप मुझे बताइए आपको ये लिखी हुई लाइन मिली है कि टाइम्स नाउ ना भारत को बीजेपी ने दिए? बॉम्बे के पेपर की बात कर रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा। हाँ तो दिखाइए, अभी मंगाइए पेपर, मैं आपको यहीं पर मौका दे रहा हूँ, आप मंगाइए पेपर। शाजिया इल्मी, क्या आप तो आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही, केजरीवाल को करीब से जानती हैं। आप लोग जब आए थे तो आप लोग कहते थे कि हम लोग तो पब्लिक से मुद्दा पूछेंगे, पब्लिक से हर चीज पूछ के करेंगे, ओपन टेंडर होगा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ओपन टेंडर तो होगा तभी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये 9,99,00,000 रुपए तक का सैंक्शन हो रहा है, 10 करोड़ में कैसे, ऐसी क्या कमी थी कि 10 करोड़ पार ही नहीं हो पाया? सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर या सह संस्थापक नहीं रही हूँ, मैं अन्ना हजारे आंदोलन से इन सारी भटक मंडली के साथ जुड़ी हुई रही हूँ। और बहुत ही मुझे आप लोग को शौक लग रहा है, लेकिन मुझे शौक नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ना ही मुझे ज़रा से भी हैरत है। मैं सब लोगों को उस वक्त उस दौर में ले जाना चाहूँगी, ठीक 10 साल पहले, बल्कि 11 साल पहले, सड़कों पे हम लोग निकल के जाते थे और ये कहते थे कि आजादी की दूसरी लड़ाई है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये सुनिए और सुनिए और आप सोचिए जी, बहुत पहले खुश हूँ, आप कैसे क्या है, आप तो ईमान बदलू हो गए भाई साहब, मुझे तो फक्र है। रवि भाई आप वो सब छोड़िए, चोर नहीं, आप अखबार मंगाइए और लाइन पढ़ के बताइए टाइम्स नाउ ना भारत को ये दस्तावेज बीजेपी से मिले, ये कहाँ छपा हुआ है? नहीं मैं आपको आगे बोल, आगे आपसे बात ही नहीं होगी, आप अखबार मंगाइए, मुझे बोलने दीजिए, अखबार मंगाइए, शाजिया इल्मी का साउंड मुझे बोलने दीजिए और आपके आपके कमेंट्स मुझे बोलने दीजिए, मेरे लिए बेचे बहुत फक्र है, मुझे बहुत फक्र है जी, सुनिए मुझे बहुत फक्र है, क्योंकि मैं इस तरह का गलीज किस्म का करप्शन नहीं कर सकती जो ये लोग कर रहे हैं। तो शाजिया आपको लग रहा है इसमें करप्शन हुआ है? मैं गई शाजिया, आपको लगता है इसमें करप्शन हुआ है? जो गलीज, सुनिए देखिए मुझे, आप बताइए जो पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जब हम लोग अपने पर्चे भर रहे थे, बाकायदा उस कागज में अरविंद केजरीवाल का हस्तक्षेप है और मैंने 1000 बार सुना है कहते हुए, आप सोचिए, हस्ताक्षर है माफ कीजिएगा, 1000 बार मैंने सुना है कि हम लोग आम लोग हैं, सामान्य जीवन चाहते हैं, ये क्या लगा रखा है बड़े बड़े बंगलों की बातें, ये क्या एसी के कमरों में लोग रहते हैं, सोचिए शर्म आती है मुझे। वो जो लोग फल वालों से, सब्जी वालों से, ऑटो रिक्शा वालों से चंदा लेते थे हम लोग, केजरीवाल जी कहते थे चंदा लो, बताओ हम लोग कितने गरीब हैं, क्योंकि हम लोग को भ्रष्टाचार नहीं करना है, हमें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है और हम कोई पैसे के लालच में, बंगले के लालच में, सिक्योरिटी के लालच में नहीं जाना चाहते राजनीति में।
हम हल्ला नहीं करना चाहते, हम तस्वीर बदलना चाहते हैं, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। और आप देखिए शर्म आती है वही लोग, ठीक है, तरह से अवधेश जी पर्दों के लिए। अवधेश जी आपका पहला रिएक्शन, कपिल मिश्रा शाजिया इल्मी दोनों।